इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिन पर दिन लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ पूरे देश में पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री में से सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले नेता हैं। यही नहीं, वे पिछले साल से नंबर वन पोजीशन में है। ये ट्रेंड उस समय चर्चा में आया जब बीजेपी ने हाल ही में यूपी के सीएम को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में चुना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को मुजफ्फरनगर दौरे पर थे, जहां उन्होंने 298 करोड़ की लागत से राजमार्ग का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने शाहपुर में जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। इस ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। बता दें कि दिवाली के लिए यहां पर पटाखे बनाए जा रहे थे, तभी ये धमाका हुआ। पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गई थी। राहत और बचाव का काम भी समय पर शुरू कर दिया गया था। माना जा रहा है कि फैक्ट्री के मलबे में अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। घायलों को जिला के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली NCR में एक बार फिर स्कूल बस में बच्ची के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। ये घटना नोएडा के सेक्टर 70 स्थित नामी इंटरनेशनल स्कूल की है, जहां नोएडा के बिजनेसमैन की नर्सरी में पढ़ने वाली 3.5 साल की बच्ची के साथ 9 अक्टूबर को स्कूल बस में रेप किया गया। वारदात का आरोपी स्कूल बस ड्राइवर पर है। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत गुरुवार को रात सूरजपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन में की। आरोप है कि 15 दिन तक ये सभी कार्रवाई के नाम पर बहकाते रहे। बाद में जब माता पिता एक्शन की जानकारी लेने 23 अक्टूबर को स्कूल पहुंचे तो उन्हें धमकाते हुए भगा दिया गया। वहीं SP देहांत ने बताया कि स्कूल बस ड्राइवर द्वारा बच्ची से अश्लील हरकत की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी बस चालक का पता चल चुका है। बस चालक को जल्द गिरफ्तार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को बेरहमी से कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना तितावी थाना क्षेत्र के शामली रोड का है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मृतकों का पता लगा रही है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।